अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस गाड़ी की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इट्स अ टोयोटा GLI। सो इसके ऑनर की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप इजीली इस गाड़ी को अप्रोच कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की डिटेल वीडियो को। टोयोटा GLI, इट्स अ 2016 मॉडल, अवेलेबल विद इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन। मैनुअल ट्रांसमिशन की ये कार है विद 1300 सीसी इंजन कैपेसिटी। और इस गाड़ी की अब तक की जो ड्रिवन माइलेज है दैट इज 93,000 किलोमीटर्स। और इस गाड़ी की जो डिमांड की जा रही है दैट इज 38 लाख रुपए। फ्रंट साइड को बहुत ही अग्रेसिव लुक प्रोवाइड की गई है जिसमें ग्रिल्स के सेक्शन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है। हेडलाइट्स आर अवेलेबल इन अ वेरी फाइन कंडीशन जिसमें बाय प्रोजेक्शन लैंप्स अवेलेबल हैं विद द फैसिलिटी ऑफ फॉग लैंप्स। बैक साइड को भी बहुत ही अट्रैक्टिव और अग्रेसिव लुक प्रोवाइड की गई है जिसमें ब्रेक लाइट्स की कंडीशन बहुत ही जबरदस्त है इन अ वेरी फाइन कंडीशन। और बैक साइड पे कैम का फीचर भी प्रोवाइड किया गया है। मल्टी कलर्स के इंटीरियर के साथ ड्राइविंग साइड का डोर प्रोवाइड किया गया है। और फैसिलिटीज में अवेलेबल है पावर विंडोज, विंडोज एंड डोर्स लॉकिंग अनलॉकिंग फीचर विद इंस्टॉल्ड स्पीकर एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट। बैक साइड के दोनों डोर्स भी मल्टी कलर्स के इंटीरियर के साथ अवेलेबल हैं और फैसिलिटीज में प्रोवाइड की गई है पावर विंडो विद स्टोरेज कंपार्टमेंट। ओवरऑल जो चारों डोर्स की इनर कंडीशन है वो बहुत ही जबरदस्त है। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूं मैं ड्राइविंग सीट पे एंड हियर इज द की। मल्टी कलर्स के इंटीरियर के साथ इसका रूम अवेलेबल है इन अ वेरी फाइन कंडीशन। डैशबोर्ड का टॉप सेक्शन जो है बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। सेकंड सीटर साइड पे एसी की ग्रिल प्रोवाइड की गई है और इसके बॉटम में मौजूद है स्टोरेज बॉक्स। मिड के सेक्शन में अवेलेबल हैं दो एसी की ग्रिल्स, डिजिटल वॉच, एंटरटेनिंग पैनल जो कि बटन्स और टच शेप में प्रोवाइड किया गया है विद द फैसिलिटी ऑफ हैजर्ड लाइट्स बटन। और इसके बॉटम में मौजूद है एसी पैनल जो कि नॉब शेप में अवेलेबल है। ड्राइविंग साइड पे प्रोवाइड की गई है एसी की ग्रिल और उसके बॉटम में मौजूद है फॉग लाइट्स को ऑपरेट करने का फीचर विद द फैसिलिटी ऑफ साइड मिरर्स एडजस्टमेंट फीचर। स्टीयरिंग इज अवेलेबल इन अ वेरी सिंपल कंडीशन और बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है इसके स्टीयरिंग की। ऑब्जर्व करते हैं स्पीडोमीटर की कंडीशन आफ्टर टर्निंग ऑन द कार। सो दिस इज द स्टार्टअप। राइट साइड पे फ्यूल की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मीटर प्रोवाइड किया गया है। लेफ्ट साइड पे 8000 का आरपीएम मीटर मौजूद है और इसके मिड के सेक्शन में प्रोवाइड की गई है 240 किलोमीटर की स्पीड रेंज विद द फैसिलिटी ऑफ अ डिजिटल पैनल जिसकी मदद से आप अपनी माइनर ऑब्जर्वेशंस को इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स एंटरटेनिंग पैनल विच इज इन टच शेप एज वेल। फ्रंट पे लेग स्पेस की बात की जाए सो इट इज वेरी वाइड एंड अनफ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसके पेडल्स को बहुत इजीली अप्रोच कर पा रहा हूँ एंड आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली एट द ड्राइविंग सीट। फ्रंट दोनों सीट्स लेदर के स्टफ में अवेलेबल हैं विद टू एडजस्टेबल हेडरेस्ट और काफी कंफर्टेबल स्टफ है इसकी सीट्स का। इन सीट्स के मिड में जो पैनल प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे मौजूद है 12 वोल्ट की एक पोर्ट विद अ पोर्शन जिसमें आप अपने सेलफोन वॉलेट या कीज को कैरी कर सकते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन लीवर, हैंड ब्रेक लीवर विद टू कप होल्डर्स फैसिलिटी और आर्म रेस्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है जिसकी इनर स्टोरेज को भी आप अवेल कर सकते हैं लिड को रिमूव करके। ड्राइविंग साइड पे मौजूद शेड में अवेलेबल है सिंपल कंडीशन और सेकंड सीटर साइड के शेड में मिरर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है और इन दोनों शेड्स के मिड में अवेलेबल है लाइट पैनल। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूं मैं गाड़ी की बैक सीट पे और आपको बताता चलूं आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली। लेग स्पेस आप देख सकते हैं इट इज टू मच वाइड, काफी इनफ लेग स्पेस प्रोवाइड की गई है बैक साइड पे। फ्रंट दोनों सीट्स की बैक साइड पे ये फीचर अवेलेबल है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स या लैपटॉप को इजीली कैरी कर सकते हैं। बैक सीट्स आर अवेलेबल इन लेदर स्टफ विद 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट और काफी कंफर्टेबल स्टफ है इसकी सीट्स का। इन सीट्स के मिड में एक पैनल प्रोवाइड किया गया है जिसको आप ऑपरेट कर सकते हैं आर्म रेस्ट के तौर पे और इसमें दो कप होल्डर्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। बैक साइड के पैसेंजर्स के लिए रूफ के मिड में अवेलेबल है लाइट पैनल। ऑब्जर्व करते हैं बूट स्पेस में मौजूद स्टोरेज कैपेसिटी एंड दिस इज द टोटल बूट स्पेस विच इज टू मच वाइड और इसके अंदर लगेज की एक बहुत ही अनफ क्वांटिटी इजीली कैरी की जा सकती है। ऑब्जर्व करते हैं इसके इंजन सेक्शन में मौजूद मैकेनिकल वर्क की कंडीशन। इट्स अ प्रॉपरली मेंटेन्ड कार सो इसका तमाम तर मैकेनिकल वर्क जो है वो बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स लेट। सो व्यूअर्स, ये थी इस गाड़ी की तमाम तर डिटेल्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को क्लोज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अल्लाह हाफिज़।